गोरा हरियाणे का मैं जिला करनाल से मेरा दिल का मैं राजा सूं ठाडा घर बार से मेरा तौर ते जिए ला रखें असला जो हर मसले का हल सीना बोलिया कर छोरी रे इस देसी की फैनी दुनिया हो रही रे देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे विशाल रखें असला जो हर मस मेटल कलास छोरा ना सघना हाई रे ताला स्प्लेंडर रे बोलेरो मॉडिफाई रे दिसिया वलग जित ले ले माज टैंड मारा दिसिया वलग जित ले ले माज टैंड सारा दिन खेतों में लगा रहा है कदे घर रोटी खान भी आ जाए घर यार तुम तो बेरा है पापा की तबीयत खराब है तो सारा काम में नहीं देखना पड़ा है चल रोटी लेके आओ दोनों भाई रोटी खाएंगे चल एक मिनट रुक ईब आया भाई दो मिनट रुक बस ईब कहाँ जा रहा भाई पर दो मिनट में आया भाई फिर दोनों भाई साथ बैठ के रोटी खाएंगे हाँ बेबी बोलो कहाँ थे इतनी देर से फोन कर रही हूँ फोन भी नहीं उठा रहे यार खेत पे था काम कर रहा था अच्छा अब फ्री हो अरे खानी तो रोटी थी पर तू खान थोड़ी देगी और जल्दी बता दे वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और शायद लोगों ने पसंद ना आए अरे मैं ये बोल रही थी शाम को क्या है तुम्हें याद है ना हाँ याद है ये कैसे भूल सकता हूँ मैं याद है हाँ तो शाम को टाइम पे आना ठीक है हाँ ओके कीर्ति यार किससे मिलवाने लेकर जा रही है मुझे आज मैं ना तुझे एक ऐसे पर्सन से मिलवा रही हूँ जो मेरी फैमिली के बाद में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहता है अच्छा जी तो मैं तेरी कौन सी प्रेफरेंस पर रहता हूँ अरे यार तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ले आ गया विशाल हाय करण लूथरा दिस साइड कौन है बंदर की शक्ल का ये क्या बोल रहा है अरे छोड़ ना क्यों सीरियस हो रहा है उसकी आदत है मजाक करने की ये मजाक तुझे बहुत भारी पड़ेगा अब यूं यहीं पे खड़े रहोगे या कहीं चलोगे भी हाँ चलो चलते हैं क्या हो गया विशाल भाई आज हुक्का पीण भी नहीं आया भाई क्या बताऊं यार ये तेरता है ये करण कीर्ति कहाँ पे है मुझे क्या पता यहीं पे कहीं होगी लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी बेटा तेरी तू ठहरा देसी पर लड़की तूने आइटम फंसा ली अरे फालतू कैसे बोल रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे देखना कीर्ति मैं चुपचाप इधर खड़ा हुआ था मुझे आके मानने लग गया कहने लगा कि कीर्ति से दूर हो जा नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा अरे झूठ बोल रहा है बस करो ठीक है मैं उसको ना अच्छे से जानती हूँ कभी किसी से नहीं लड़ता जरूर तुमने कुछ कहा होगा उसे एक मिनट मेरी बात तो सुन ले मुझे ना कुछ नहीं सुनना तुम देसी ना होते ऐसे हो दिखा दी तुमने अपनी औकात तुम ना मुझे अपनी ना शक्ल में दिखाना आज बाद में कभी अरे वो सब छोड़ ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तेरा सुन के दिल खुश हो जाएगा इसी की खबर है सुना भाई भाई पुलिस का टेस्ट तेरा क्लियर हो गया एक तू फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दे यार कीर्ति हम तो विशाल भी नहीं है तू तो मुझे अच्छे से जानती है ना क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं मतलब ये कि मैं तुझे बचपन से लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए पागल हो गया तू हाँ मैं पागल हो गया हूँ क्या कर रहा है मुझे ना तुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी हाथ छोड़ मेरा जब तक तू हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा विशाल आई एम सॉरी मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझा ये मत सोचियो मैंने तेरी हेल्प करी है अगर तेरी जगह कोई और भी लड़की होती ना मैं उसकी भी हेल्प करता बिकॉज आई एम अ पुलिस ऑफिसर
राम राम आउली तरेड़ जा जिले जिंदगी मारे कशिए ना नाते दुनिया ते परे।